वालेकुम खुशामदीद नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको शहनाज नाम के बारे में फुल्ली डिटेल में बताएंगे, यानी इनका मतलब, इनका नेचर और इनकी कुछ लकी चीज़ें और इनसे जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आप हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ नेम पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की मजीद वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए जानते हैं शहनाज नाम के बारे में। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि शहनाज नाम का शुमार लड़कियों के नामों में होता है। शहनाज नाम की इब्तदा तारीख अरबी जबान से निकलती है। अब जानते हैं शहनाज नाम के मतलब के बारे में। शहनाज नाम का मतलब दुल्हन, मौसीकी का शहजादी, खूबसूरत होता है। तो चलिए अब जानते हैं इनके नेचर के बारे में। शहनाज नाम की लड़कियां नर्म दिल की होती है और ये दिखने में बहुत ही मासूम होती है और इन्हें दूसरों की मदद करना काफी अच्छा लगता है और इन्हें दूसरों को खुश रखना काफी अच्छा लगता है। शहनाज नाम की लड़कियां थोड़ी फनी टाइप की होती है। इन्हें लोगों को हंसाना काफी अच्छा लगता है। ये अपने आसपास रहने वाले लोगों में जल्दी घुल मिल जाती है। इन्हें दोस्त बनाना भी काफी अच्छा लगता है और ये अपने दोस्तों की काफी केयर करती है और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। दुश्मनी दोनों बखूबी निभाना जानती है। शहनाज नाम की लड़कियां ईमानदार भी होती है। शहनाज नाम की लड़की काफी हार्डवर्क भी होती है। ये किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ती, जिस काम को शुरू करती है उसे पूरा करती है। ये काफी इंटेलिजेंट भी होती है और पढ़ाई में भी काफी अच्छी होती है, यानी लगभग हर काम में अच्छी होती है। तो ये था इनका नेचर। अगर आपका नाम शहनाज है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इनमें से कौन कौन सी आदत आप में है, क्योंकि जरूरी नहीं इनमें से सारी आदत आप में हो। चलिए जानते हैं इनके कुछ लकी चीजों के बारे में। इनका लकी नंबर 3 होता है और इनका लकी डे फ्राइडे एंड सैटरडे होता है और इनका मुआफिक पत्थर नीलम होता है और इनका मुआफिक रंग नीला, बनफशी और काला होता है और इनका मुआफिक धातु लोहा होता है। तो ये था शहनाज नाम की लड़कियों का मतलब, इनका नेचर और इनके कुछ लकी चीजें। आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में और एक नई मैम के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।